कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। भाई हमारी इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से फाइनल्स में पहुंची और लास्ट में जाकर के हम लोग मैच जीत गए, तो हम कंग्रेचुलेशंस कहते हैं, है ना। सो अलग अलग, किसी ने नई गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने पे भी बधाइयाँ देते हैं यार, है ना, कि तुमने नई गाड़ी ले ली, अरे क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। सो कंग्रेचुलेशंस एक ऐसी चीज़ है कि हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, जानते हो ना आप लोग, ये तो आप भी मानते होगे कि कंग्रेचुलेशंस क्या है। कंग्रेचुलेशंस हमारी डे टू डे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, इसमें हम लोग लोगों को बधाइयाँ देते हैं। अब वो बधाई चाहे किसी छोटी सी बात पर हो या फिर किसी बहुत बड़ी बात पर हो, ठीक है। सो यहाँ पर अब एक बहुत ही प्लेन सा बोल देना कि अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें सुन करके, कंग्रेचुलेशंस, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कॉन्ग्रेट्स। ये तरीका हो चुका है बहुत ही ज़्यादा पुराना, इसको अब इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हर कोई यार यही तो तरीका इस्तेमाल कर रहा होता है, हर कोई ऐसे ही तो बोल रहा होता है, कंग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स, यही तो बोलते हो ना तुम लोग, है ना। लेकिन क्या कोई और तरीका है जिससे हम लोग इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को भी बेहतर बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी साउंड कर सकते हैं। सो आज ऐसे 5 नए तरीके मैं आपको सिखाने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंग्रेचुलेट भी कर सकते हो और वो इंसान सोचेगा यार इसकी इंग्लिश कितनी स्मार्ट है, मतलब कितना स्मार्ट तरीके से बोलता है ये, कितना स्मार्ट बच्चा है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को, एंड क्लास को शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता दूं, जो बच्चा अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहता है, जो बच्चा चाहता है कि मेरी इंग्लिश ना थोड़ी सी बहुत ही मतलब ऐसे शानदार सी इंग्लिश हो जाए, मैं जब बोलूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस रहे और ऊपर से बहुत नए नए तरीके से मैं बोल पाऊँ किसी एक शब्द को, तो ये क्लास आपको पूरी देखनी है। और साथ ही साथ इस क्लास को हम शुरू करेंगे कैसे, इस क्लास को, थैंक यू, इस क्लास को हम शुरू करेंगे कैसे, इस क्लास को हम शुरू करेंगे एक छोटे से गेम के साथ, फाइन। चलो सो अपन स्टार्ट करते हैं। अरे मेरा गेम कहाँ गया, ओ माय गॉड, वी डोंट हैव अ गेम हियर, ओके। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको एक छोटे से गेम के साथ स्टार्ट करते हैं। अब गेम ये है कि मैं आप लोगों को ना कुछ वर्ड्स दूंगी, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है उस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, फाइन। तैयार हो सभी बच्चे? मैं आपको एक वर्ड दूंगी और आपको मुझे बताना है उस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ओके, ठीक है। सारे बच्चे आ गए हैं, बधाई। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ओके, स्टार्ट करें फिर, गेम के लिए रेडी हो? हाँ जी, चलो सब बच्चे बोल रहे हैं मैम हम रेडी हैं, हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। ओके चलो, बढ़िया बात है भाई, ठीक है। सो गेम में क्या रहेगा, मैं पहले ही बता दूं कि गेम में आपको करना क्या रहेगा। गेम में आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, आपको जस्ट एक सेकेंड, हाँ ओके हो गया, चलो बढ़िया। थोड़ी सी सेटिंग्स कर रहे थे हम लोग ताकि मुझे तुम सबके कमेंट्स अच्छे से नज़र आते रहें, वरना बाकी बच्चों के कमेंट नज़र नहीं आते तो उनका फिर हो जाता है एकदम मोरल डाउन के, मैम ने तो मेरा कमेंट ही नहीं देखा, ठीक है। सो गेम ये है कि मैं आपको 2 वर्ड्स बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन सिखा दिए हैं, मैं आपको ज़रूर बताएंगे बेटा, क्लास में बैठे रहना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, गेम में मैंने आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन सिखाई है और इंग्लिश बोलने का बहुत 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 बड़ा जो एक मेजर हिस्सा है वो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर इंग्लिश बोलनी आती है पर सही तरीके से बोलना ही नहीं जानते हो तो बच्चे फिर इंग्लिश आपकी कोई जानदार इंग्लिश नहीं है, फिर वो ऐसी खुद सी एक ऐसी इंग्लिश बोल रहे हो आप, बेकार सी इंग्लिश बोल रहे हो आप, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश बोलने के साथ ही साथ आप सही तरीके से इंग्लिश को बोल पा रहे हैं, ठीक है। सो एक वर्ड है मेरे पास, प्लास्टिक, ठीक है। इसको हम कैसे बोलेंगे, क्या हम इस पर जोर डालते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं और इस पर जोर डालते हैं? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, कौन सा वाला सही है आप लोग मुझे बताओ। इसको मैं मिटा देती हूँ, आप लोग मुझे बताओगे कि ये कैसे बोला जाता है प्लास्टिक। हम टिक पर जोर डालते हैं बोलते वक्त या प्लास्ट पर जोर डालते हैं, कैसे बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं या इस तरीके से बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर ए। राहुल इज सेइंग मैम ऑप्शन नंबर ए, रीना इज सेइंग ऑप्शन नंबर बी। सो जल्दी से मैं ना आप लोगों के सामने एक पोल डाल देती हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलो आपके सामने आ गया है पोल और ऐसे ही हम हमारे इन बच्चों के सामने भी पोल भेज देते हैं। ऐप पे जो बच्चे बैठे हैं ओके सो बच्चों आपके सामने भी आ चुका है पोल। तो अब जल्दी से बताओ आप लोग कि क्या होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं 75% बोल रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूट्यूब के बच्चे जो है हमारे बोल रहे हैं 75% मैम ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड हमारे ऐप पे जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं मैम 52% बोल रहे हैं ऑप्शन बी, 46% बोल रहे हैं ऑप्शन ए। सही तरीके से अगर मैं आपको बताऊं बच्चे हम लोग कैसे बोलते हैं, और प्लास्टिक एक ऐसा शब्द है कि तुम जिंदगी भर में बोलते हो कि प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक का बॉक्स, प्लास्टिक का कुछ भी, प्लास्टिक का पेन, कुछ भी, प्लास्टिक के कप्स, है ना। सो प्लास्टिक की प्लेट्स, आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हो कि जिसमें प्लास्टिक वर्ड यूज करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन सही तरीके से आप पता है उसे कैसे बोला जाता है बेटा। इस वाले हम लोग किस पे, प्रोनाउंसिएशन पे, कहाँ पे जोर डालते हैं, हम इस पे जोर डालते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं। सो प्लास्टिक। और ये मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, याद है आपको ट्रिक? वो ट्रिक क्या थी बेटा कि TIC जहाँ आता है उसको हम टिक करके बोलते हैं। ठीक है, TIC यानी कि टिक, छोटी सी आवाज निकलती है। इक IC यानी कि इक इक करके आवाज निकलती है, छोटी सी आवाज निकलती है, क की पूरी आवाज नहीं निकलती। सो यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिक। तो यहाँ पर आप इस शब्द पे जोर डालते हो फिर टिक बोलते हो। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं। हर्षिता बच्चे मैं अभी बता देती हूँ, बस इंतजार, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछूं, तैयार हो तुम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए? हाँ भाई रेडी, ओके चौधरी जी, हाँ भाई ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारे लिए, फोटोग्राफ खींचते हो तुम लोग सभी? नंदनी हाँ जी, पिक्चर क्लिक करते हो। सो फोटोग्राफ में हम लोग फोटोग्राफ बोलते हैं, उसको फोटोग्राफ ऐसे करके बोलते हैं, या फिर हम इसमें ऐसे करके बोलते हैं। हम इस पर जोर डालते हैं या हम इस पर जोर डालते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताओ किस शब्द पे जोर डाला जाता है, कौन सा उच्चारण सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला? जल्दी जल्दी से बताओ। मैं पोल डालती हूं आपके सामने दोबारा से, तो आपके सामने एक और पोल आएगा। ठीक है, चलो सो क्वेश्चन नंबर 2 पक्का श्योर? बच्चे तो जल्दी से आंसर भी करने लग गए। चलो ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। एंड ये रहा आपका पोल, और इधर आ रहा है ऐप के बच्चों के लिए एक नया पोल। ये लो, अब बताओ कौन सा वाला करेक्ट है, फोटोग्राफ बोलते हैं, फोटोग्राफर बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे हम, फोटोग्राफ बोलते हैं? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके 64% बच्चे बोल रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर बी, और हमारे यूट्यूब के ऊपर बोल रहे हैं 71% बच्चे ऑप्शन नंबर बी। भाई बहुत ही बढ़िया। देखो ये हम ना TO वाले शब्द पे हम ज़्यादा जोर डालते हैं, फोटोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफर बोलते हैं हम, फोटोग्राफर नहीं बोलते। जो हम आप गलत बोलते हो ना, ये उच्चारण इसका गलत करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कि फोटोग्राफर, फो पे हम लोग ज्यादा जोर नहीं डालते, हम टो पे ज्यादा जोर डालते हैं कि फोटोग्राफर। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको एक बार मेरे साथ रिपीट करके देखिए, फोटोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफर नहीं होता है। ओके चलो, सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ नॉर्मल डे टू डे लाइफ के प्रोनाउंसिएशन की क्या है, प्रोनाउंसिएशन की कुछ ट्रिक्स है, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऋतिका ओके, मेरा नाम निकिता है बेटा, आपकी पहली क्लास है आज। चलो सो आज हम स्टार्ट करते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के जो कुछ अलग अलग नए नए तरीके हैं वो हैं कुछ इस प्रकार कि सबसे पहला तरीका आता है कूडोस। आप क्या बोल सकते हो, कूडोस बोल सकते हो। कूडोस का मतलब क्या होता है, कूडोस का मतलब होता है शाबाशी देते हैं ना हम किसी को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। तो ये बोलने का एक नया तरीका है कूडोस। कैसे बोलेंगे इसको, बोलोगे कू एंड देन डोस। ठीक है, कूडोस ऐसे करके हम बोल सकते हैं। देखो आफ्टर जेक वॉन द रेस, जेक भाई किसी रेस में दौड़ रहा था। ठीक है, जो मैम जो सबसे पहले बता रहे थे उनका नाम बताइए बेटा, वो मैंने चेक नहीं किया था। ठीक है, देव गुप्ता, हेलो देव। सो यहाँ पर ध्यान से सुनना, आफ्टर जेक वॉन द रेस वी ऑल गेव हिम कूडोस फॉर अ जॉब वेल डन, यानी कि जेक रेस जीत गया। अब यार सोचो कि हमारे यहाँ पे ना डाउटनेट में हमने एक रेसिंग कंपटीशन किया, और सिद्धार्थ या फिर उमेश, गुलजार या खुशी, कोई भी जो है वो क्या करते हैं, कोई भी जो है वो अगर रेस में दौड़ता है और अगर वो रेस में फर्स्ट आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, अरे वाह कंग्रेचुलेशंस तुम जीत गए। तो उसकी जगह पर आप क्या बोल सकते हो, उसकी जगह पर आप उसको बोल सकते हो कूडोस। ठीक है, उसकी जगह पे आप उसको क्या बोल सकते हो बच्चे, उसकी जगह पर आप उसको बोल सकते हो कूडोस। ठीक है, सो आफ्टर जेक वॉन द रेस, जेक ने जब रेस जीत ली थी उसके बाद सभी ने उसको शाबाशी दी क्योंकि उसने काम बहुत ही अच्छा किया था। ठीक है, सो कूडोस एक ऐसा वर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन। क्लियर लावण्या, प्रतिमा, 3 किड्स, निशी। ठीक है, डन। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स मुझे आज क्लास में नजर आ रहे हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो तुम सब। मेरा नाम निकिता है। सर्वेश का मुझे ना एक रविकांत सर से, सर्वेश साहू के बारे में मुझे सुनने में आया कि सर्वेश बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। रविकांत सर की क्लास में जाकर के व्हाट्स द लेटेस्ट बस पूछता है रविकांत सर से। सो रविकांत सर भी बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि बच्चे मैम इंग्लिश में बड़ी बातें करने लग गए आजकल। तो मुझे बड़ी खुशी होती है सुन करके जब मुझे सुनने में आता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ करके बाकी जगह पर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं टीचर्स के सामने, और टीचर्स भी एकदम ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वाह इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी। तो मुझे सुनने में आता है, ऐसा मत सोचना कि मुझे सुनने में नहीं आता है, मुझे सुनने में आता है। सर मुझे बता देते हैं, टीचर्स मुझे बता देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो ऐसे ही आपको करते रहना है। ठीक है, ऐसी तैयारी करते रहनी है और देखना तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो वेरी वेल डन, बढ़िया है यार। ये मैंने बहुत जगह सुना है, मैंने अक्षय सर से सुना है, मैंने विनय सर से सुना है, मैंने स्वाति मैम से सुना है, मैंने अनुष्या मैम से सुना हुआ है, मैंने रविकांत सर से सुना है, मैंने शाहिद सर से सुना है, भाई साहब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। ठीक है, चलो अमृता बेटा लाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, आज की जो चीजें हैं पहले उसको सीख लीजिए। सो यहाँ पे कूडोस का मतलब क्या हो जाएगा, कूडोस का मतलब हो जाएगा कंग्रेचुलेशन, किसी को देने का, कंग्रेचुलेट करने का एक दूसरा तरीका। ठीक है, अगला आता है हैट्स ऑफ टू यू। जब हम किसी को क्या बोलते हैं, जब हम कोई बहुत ही बढ़िया काम करके आता है, कहता है यार मैं क्लास में फर्स्ट आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, अरे हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, सो देखो हैट्स ऑफ टू यू फॉर गेटिंग द बिग प्रमोशन, कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया यार, हैट्स ऑफ। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं हम इस तरीके से किसी को कंग्रेचुलेशंस कह सकते हैं कि यार तेरा तू क्लास में फर्स्ट आया, क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू। क्लियर डन, आगे सभी को समझ में, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं है। या सर्वेश इज आवर स्टूडेंट हु इज एक्चुअली वाचिंग द क्लास राइट नाउ ऑन आवर ऐप। सो वो हमारे ऐप पर क्लास देख रहे हैं निखिल। ओके क्लियर बेटा, सभी को, सभी बच्चों को डन है। मैं आगे बढ़ूं, सो हैट्स ऑफ टू यू यानी कि किसी को कंग्रेचुलेशंस कहने का एक बहुत ही नया तरीका, जिसमें आप क्या बोल सकते हो कि यार तू क्लास में फर्स्ट आया, क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, या फिर कूडोस, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। क्लियर डन, ओके मैम प्लीज साइड। अच्छा लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं, चेयर आ रही है मेरी, चलो मैं हट जाती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना। सो ये लो, ठीक है डन है भाई, जल्दी जल्दी से मुझे बता दो। चैनल का नाम जानना चाहते हो, चैनल का नाम है, यूट्यूब पे जाकर के बच्चे सर्च कीजिएगा निकिता सिंह। मेरा चेहरा तो पहचान जाओगे ना, आपको मेरी वहाँ पे पिक्चर्स दिख जाएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिख जाएंगी। ठीक है बच्चे, सो यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो ये नाम, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी मेरी मेरा जो चैनल है वो। ठीक है, ओके डन। ठीक है, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, हर्षिता एंड ऑल एवरीवन, प्रीति। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ू। 2 वर्ड सीख लिए हमने, क्या सीखा है, कूडोज एंड हैट्स ऑफ टू यू। अब अगला जो तरीका आता है किसी को कंग्रेचुलेट करने का वो है गुड जॉब। अभी अपने आप में तुम बोल दो, कहीं तुम्हें सुनने में आए ना किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ अच्छा काम किया, बस इतना बोल दो, वाओ गुड जॉब। क्या बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं वाओ गुड जॉब। ठीक है, क्लियर है। सर्वेश कुछ कह रहा है, एक बार सर्वेश का हम लोग कॉमेंट देख लेते हैं। सर्वेश इज सेइंग कि मैम मैंने सर से बोला कि मेरी, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ठीक है डन, वंश एक बार ध्यान देंगे। सो गुड जॉब क्या होता है, ये यूज करते हो आप लोग, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मैं यूज करता हूँ, बहुत ही बढ़िया यार। अगर आप पहले से इसको यूज करते आ रहे हो यानी कि आप ऑलरेडी अपनी इंग्लिश में वेराइटी है है ना, आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश में वैरायटी है, यानी कि अगर कोई बच्चा ऑलरेडी इन चीज़ों को जानता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो आप ऑलरेडी किसी एक शब्द पे टिके नहीं हुए हो, यानी आपके पास बहुत अलग अलग तरीके के शब्द हैं, ठीक है, जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा ऐसे रंगीन हो जाती है ना, कि केवल एक ही तरीके से नहीं चलती जा रही, केवल बोरिंग सी नहीं है, आपके पास बहुत अलग तरीके हैं, आप बहुत अलग तरीक़ों से अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोलना जानते हो। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी यूजिंग इट, वेरी वेल डन, ठीक है, ऐसे ओके। चलो अगला जो आता है वो आता है आपके सामने, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब अगर देखो कोई बच्चा बहुत ही अच्छा कोई काम कर जाए, ठीक है, कोई बच्चा कंपटीशन जीत गया, तुम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट में पूरे के पूरे क्या कर गए, 100% मार्क्स लाए, सो क्या बोल सकते हैं, वाओ तुम्हारे 100% मार्क्स आए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सो ये भी एक तरीका है बेटा कंग्रेचुलेशंस बोलने का, ठीक है। मैम भूल गए क्या आप अब पुराने बच्चों को, देखो मैं भूली किसी को भी नहीं हूँ, बस मैं अपने पुराने बच्चों से थोड़ी सी समझदारी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो मेरे को तो जानते ही हैं और हमारी तो बातें होती रहती हैं। सो क्लास में मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा ज़्यादा सी पढ़ाई कर लें और फिर उसके बाद पढ़ाई, देखो पढ़ाई पहला हमारा एम होना चाहिए कि क्लास में आए हैं सबसे पहले पढ़ाई करेंगे, फिर बाकी बातें बाद में, ठीक है ओके। सो पहले पढ़ाई फिर बाकी बातें बाद में। तो अभी आकर के ना बहुत सारी नई नई चीज़ें जो मेरे दिमाग में होती है, मैं बातें करूँगी तो मैं भूल जाऊँगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हम रह जाएंगे और टाइम चला जाएगा। तो तुम्हारे टाइम की इज्जत करते हुए, तुम्हारे टाइम का ध्यान रखते हुए कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे से समय में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा दूँ, ठीक है। सो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भूल गई हूँ। सो इस चीज़ पे ना जाएं, इस चीज़ पे ध्यान ना रखें कि मैम आप तो हमें भूल गए, मैम आप तो अब ध्यान नहीं देते हो, मुझे तुम सब याद हो, ठीक है। स्वाति, लकी, उमेश, ये सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक साल से हम लोग साथ पढ़ते आ रहे हैं। इतने साल के बाद भी मेरे से पूछने की ज़रूरत है क्या कि मैम आप हमें भूल चुके हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगी? मैं तुम्हें नाम से जानती हूँ यार, और मुझे अब मैंने बताया ना मेरी बाहर भी तुम्हारे बारे में बातें होती हैं। सो डोंट यू एवर थिंक कि निकिता मैम तुम्हें भूल चुकी है, यार नेवर। तुम्हारी वजह से तो ये क्लास है और तुम्हारी वजह से तो मैं हूँ, सो तुम्हें भूला नहीं है कोई भी, याद हो तुम सभी। बस अभी मेरा ध्यान थोड़ा सा पढ़ाने पे है और आपका ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला वर्ड कौन सा हुआ, ये वाला फ्रेज क्या हुआ बच्चे? ये फ्रेज हुआ आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो अगर आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग कभी भी किसी को बोलना चाहते हो कि वाओ तूने इतना बढ़िया काम करा, तो आप उसको सीधा सा बोल सकते हो, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सिंपल डन, इतना तो इजी सा है। इसको बोल करके देखो कितनी अच्छी तुम्हारी इंग्लिश ना हो जाए। तो क्लियर, रिपीट कर दूं एक बारी? चलो एक लास्ट वर्ड सीख लो। हम एक लास्ट वर्ड बोल सकते हैं, फेलिसिटेशंस। अब ये पता है कैसा वर्ड है? ये इंग्लिश का वर्ड नहीं, ये लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है गुड विशेस, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। सो इसको भी सीख लो। फेलिसिटेशंस बड़ा ही फैंसी सा वर्ड लगता है, बोलने से नहीं लगता है, बोलने में ही लगता है कि ओ माय गॉड बड़ी हाईफाई इंग्लिश बोल रहे हैं। सो इसको कैसे बोलेंगे? फेली, फेल बोलते हैं ना हम, वी ऑल फेल डाउन। सो फेलिसिटेशंस एक बारी मेरे साथ बोल करके देखेंगे बच्चे, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं वो बिल्कुल भी घबराएं ना, उनके लिए मैं दोबारा से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट कर दूंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा सब्र के साथ बैठो, जितना सिखा रही हूँ अभी उतना सीख लो, देन हम दोबारा से उसको रिपीट कर देंगे। क्लियर? ओके, जानवी, विवेक, हिमांशी, बच्चों, प्रिया, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? एक बारी दोबारा से, मैं एक बारी बोल करके देखो मेरे साथ, फेलिसिटेशंस, ठीक है, फेलिसिटेशंस, यानी कि वी फेलिसिटेटेड जॉन ऑन हिज एंगेजमेंट टू मैरी। जॉन की मैरी की सगाई हो गई तो हमने उनको बधाइयाँ दी। तो फेलिसिटेशंस का मतलब होता है बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ, ठीक है बेटा। फेलिसिटेशंस का मतलब क्या होता है? ढेरों बधाइयाँ। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड एक चीज़ याद रखना अनित, कि आपको क्या करना है, अफसाना, कि आप लोगों को स्पेलिंग्स बेटा इसकी ठीक रखनी है, ठीक है, आपको इसकी स्पेलिंग सही रखनी है यार। अगर स्पेलिंग सही नहीं रखोगे, अगर सही से बोल नहीं पा रहे हो, तो आप लोगों के दिमाग में जो इतना सारा इंग्लिश की नॉलेज है ना, वो आप अगर सही से किसी के सामने रख नहीं पा रहे तो बेटा उसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि ये भाषा है और भाषा को बोलने का तरीका भी आना चाहिए, तो उसकी स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, ठीक है। सो हाँ जी, रिशु एंड एवरीवन, आप लोगों को ना इसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए बच्चे, और आप लोगों को इसको बोलना भी आना चाहिए, तभी तो इंग्लिश बढ़िया होगी, वरना कोई फेलिसिटेशन बोल रहा है, कुछ अजीब सा कुछ बोल रहा है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा साइड हो गई हूँ, आप लोग इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए। हाय दिनेश, साइट प्लीज। चलो मैं दोबारा से गायब हो जाती हूँ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं 5 सेकेंड्स के लिए। जल्दी से पिक्चर क्लिक कर लीजिए, जल्दी जल्दी से क्लिक कर लो पिक्चर। हाँ जी खुशी नहीं हो पाता है तो लिख लो ना इसको, सबसे बढ़िया चीज है लिख लो। क्या बात है अगम, गुड बच्चे। कृतिका, अनीत लिख ली, विद्या, सबने लिख लिया। चलो अरे 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 अरे, अरे हाँ ओके डन ओके। चलो सब मैं इसको रिपीट कर दूं एक बारी। हम लोगों ने 5 न्यू वेज सीखे हैं कैसे हम लोग किसी को कंग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं। सो 5 नए तरीके किसी को कंग्रेचुलेशंस बोलने के क्या क्या हैं। 5 नए तरीके किसी को कंग्रेचुलेशंस बोलने का सबसे पहला तरीका है बच्चे कूडोस। अगर मैं बोलूं कि पता है क्या हुआ आज, मैं ना टेस्ट में क्लास में टॉप किया, मेरे टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, तो आप क्या बोलोगे, सच में कूडोस, कूडोस टू यू। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो बच्चे, आप बोल सकते हो कूडोस टू यू कि बधाइयां तुम्हें, बहुत सारी ढेरों बधाइयां, शाबाश। ठीक है, ऐसे करके आप किसी को कंग्रेचुलेशंस बोल सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा आता है कि वाओ तुम्हारे 100 में से 100 आए, हैट्स ऑफ टू यू, कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया, हैट्स ऑफ। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। उसके अलावा अगर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो वाओ गुड जॉब, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ऐसे करके भी हम किसी को क्या बोल सकते हैं, कंग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं। उसके अलावा रिया, वेरी वेल डन रिया। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अब कोई बोले कि यार तुझे पता है मैंने ना मस्त सी एक नई गाड़ी खरीद ली है ना, मैं इतने टाइम से एक गाड़ी खरीदना चाह रहा था, मैं इतने टाइम से ना एक बाइक खरीदना चाह रहा था, मैंने पता है आखिरकार वो बाइक ले ली। तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि सच्ची, कंग्रेचुलेशंस बोलने की जगह बोल दो आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और इसके बाद जो आता है जो बहुत ही फैंसी है, पहले ही बता रही बेटा, इसको बोलोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फैंसी, समझ रहे हो ना, बड़े बड़े मतलब ऐसा लगेगा कि ओ माई गॉड ये तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है यार। सो एक बहुत ही फैंसी वर्ड है फेलिसिटेशंस। फेलिसिटेशंस का मतलब क्या होगा शिवा, फेलिसिटेशंस का मतलब होता है बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। सो हम क्या बोल सकते हैं, अब जॉन की और मैरी की एंगेजमेंट हो गई, भाई प्यार करते थे एक दूसरे से, सगाई हो गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई फेलिसिटेशंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने जॉन और मैरी को उनकी इंगेजमेंट यानी कि उनकी सगाई पे ढेरों बधाइयाँ दी, यानी कि हमने उनको फेलिसिटेट किया। वी फेलिसिटेटेड जॉन एंड मैरी ऑन हिज एंगेजमेंट, ऑन देयर एंगेजमेंट। अरे वाह उमेश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, ओ वाओ यू स्कोर्ड 1st रैंक इन योर क्लास, फेलिसिटेशन, नाइस नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा दीजिएगा, और बस परफेक्ट हो गई है तुम्हारी अब इंग्लिश। तो अब तुम परफेक्ट तरीके से किसी को बधाई देना सीख चुके हो, किसी को कंग्रेचुलेट करना सीख चुके हो। सो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लास में सीख ली हैं, हमारे अलग अलग तरीके हम लोग सीख चुके हैं। सो गाइज देयर यू गो, यहाँ से इसी तरीके से आपकी क्या होगी, इसी तरीके से आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। अब कंग्रेचुलेशंस आप अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, अपने दोस्तों को, सभी को बोल सकते हो। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि टीचर्स को बोल सकते नहीं बोल सकते, सभी को बोल सकते हैं बेटा। ये ऐसे तरीके हैं इंग्लिश में किसी को बधाई देने के कि आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके नेबरहुड में किसी किसी आपके फ्रेंड ने या किसी दीदी भैया ने, ठीक है, कुछ अच्छा किया, उनकी जॉब लग गई, उनकी बहुत ही अच्छी जॉब लग गई, उन्हें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, आप क्या क्या कह सकते हो कि वाओ भैया आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ जी, ऐसे बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है बच्चे कि अगर आपसे पूरी इंग्लिश में नहीं बोला जा रहा, अटक जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा कि भैया ने यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँ, तो मत बोलो ना, जितना मैंने सिखाया है उतना इंग्लिश में बोल दो, बस बस इतना करो। बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे आने वाले समय में सब सिखा दूंगी, अभी जितना सिखाया है उतना बोलो। ठीक है, सो हिंदी में बोल दो कि वाओ भैया आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इतना हिंदी में बोल दो। बाकी तो मैंने आपको सिखाया है ना कि आप क्या कह सकते हो, कंग्रेचुलेशंस की जगह आप बोल दो आई एम सो हैप्पी फॉर यू, गुड जॉब, कूडोस। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप उनको क्या कर सकते हो, इस अलग अलग तरीके से आपको आप उनको कंग्रेचुलेशंस कह सकते हो। सो यही तो 4-5 तरीके होते हैं। ठीक है, क्लियर, सभी को आ गया समझ में। अरे वाह स्वाति, वेरी वेल डन। लकी, थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आज की क्लास में आपको सीखने को मिला होगा कि हम कैसे किसी को कंग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं। देखो नॉर्मल सी ज़िंदगी है, हम हाय हेलो सबके साथ करते हैं, है ना। उसके अलावा हाय हेलो के अलावा हम लोगों से बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि हाउ आर यू, ठीक है। शमा बोल रही थी कि मैम फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, ये लो बेटा, ठीक है। और हम लोगों को ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं ऑल द बेस्ट तो हम कितना ज़्यादा बोलते हैं, है ना। उसके अलावा कंग्रेचुलेशंस भी हम आए दिन बोलते रहते हैं, अरे किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, अरे किसी की शादी हो गई, अच्छा पापा का प्रमोशन हो गया, पापा हमारे जो हैं वो आपके पापा जो हैं या कोई भी जो मम्मी हैं वो जॉब कर रहे थे उनका प्रमोशन हो गया, पापा ने आके बताया कि फैमिली को कि पता है क्या कि मेरा प्रमोशन हो गया आज, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, वाओ कूडोस, या फिर वाओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू, इस तरीके से आप बोल सकते हो, फेलिसिटेशंस इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये अलग अलग कुछ तरीके होते हैं। मैम हाउ टू क्रैक टर्म टू इंग्लिश एग्जाम। केल्विन बेटा आप कौन सी क्लास में हो, आप 9th क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो? 9th क्लास में हो तो आपके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करके मैंने इसी YouTube चैनल पे डाली है कि 9th क्लास का बच्चा कैसे अपने टर्म 2 के इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर सकता है। अगर आप 10th क्लास में हो तो आप टेंशन मत लो, जल्दी ही इस वीक के अंदर मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर के आ रही हूँ कि 10th क्लास का बच्चा कैसे टर्म 2 की तैयारी कर सकता है और बढ़िया तरीके से इंग्लिश के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकता है, ठीक है। चलो सो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो जो नए बच्चे यूट्यूब पे हैं भाई, YouTube की इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। केल्विन क्लास 10th, तो बेटा इंतज़ार करना मेरा, इस वीक के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार सेशन लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम 10th क्लास का बच्चा होते हुए एक टर्म 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। 12th के लिए भी बता देंगे यार, पढ़ाती तो मैं सभी को हूँ 9th 6 से लेकर के NDA तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है रिया। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहना और इन क्लासेस के साथ जुड़े रहना। 1 बजे क्लास होती है, डेली होती है, ठीक है। 1 बजे होती है क्लास, डेली होती है ये क्लास मंडे से लेकर के सैटरडे तक, ठीक है। ऐप वाले बच्चे ऐप पर क्लास ज़रूर लेते रहें। 1 बजे का टाइम ना अपने अपने पूरे दिन के रूटीन में से 1 बजे का टाइम निकाल करके अलग कर दो कि यहाँ तो मैं कुछ नया सीखूंगा और यहाँ मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं, यहाँ पर मैं अपने लिए सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये चीज़ें एग्जाम में काम नहीं आएगी पर बेटा एग्जाम के बाहर की जो असली ज़िंदगी है ना यही काम आएगा। सो ये टाइम निकाल करके रखो कि ये टाइम मेरा टाइम है, इसमें मैं कुछ नया सीखूंगा और मैं अपनी इंग्लिश को और अपने आप को बेहतर करूंगा, तो इस टाइम को ना भूलें। 1 बजे का टाइम निकाल के रखें। और जो यूट्यूब पे बच्चे हैं आप यूट्यूब पर जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना और जल्दी ही 9th और 10th के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मैं सेशंस लाऊंगी तो उसमें आप आ जाना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ और अगर कोई ग्रामर की क्लास अटेंड करना चाहता है बच्चे तो ग्रामर की क्लास होगी आज शाम को 5 बजे। मैं नरेशंस का टॉपिक शुरू कर रही हूँ, नया नया टॉपिक है। 5 बजे स्टार्ट करेंगे हम लोग, यूट्यूब के चैनल पर स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब के चैनल का नाम है डाउटनट डिफेंस। इस YouTube चैनल पे आज शाम को 5 बजे नरेशंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो जाकर के अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लो, याद रखना 5 बजे यहाँ पर डाउटनेट डिफेंस के चैनल पर आ जाना है। नरेशंस लेक्चर नंबर 1 बेसिक से सिखाऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है ओके। और जो बच्चा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है, मेरे YouTube चैनल का नाम है निकिता सिंह, सो वहाँ जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अभी के लिए फिर मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम अगली क्लास में शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।